अगर आप भी इंटरटेनमेंट के साथ अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो अभी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटे को भी दबा दीजिए। और ये बिल्कुल फ्री है, तो जाइए अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चले बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद राज। तो मैं आज आपको बताऊंगा इस दुनिया के 10 प्राकृतिक रहस्यमय घटनाएं, जिसे सुनकर आप सिर्फ यही कहोगे, हमारे प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसका होना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे कि दिन का रात होना और रात का दिन होना, मौसम बदलना और बारिश होना, बादलों का बनना और भी बहुत सी घटनाएं जो बहुत ही आवश्यक होती है। हम इन घटनाओं में से लगभग सभी के कारण जानते हैं कि दिन कैसे होता है और रात कैसे होती और बारिश कैसे गिरती है। तो हमारी पृथ्वी मतलब प्रकृति इतनी छोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी है, और इसमें कई ऐसे रहस्यमय घटनाएं होती है जो कि कभी कभी ही होती है और उसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। हमारे धरती के ऊपर बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है कि जो हम कई बार देखते हैं और फिर वही घटना दोबारा हमें दिखाई नहीं देती, उनका हम विश्वास भी नहीं कर सकते। ये प्राकृतिक घटना थी या किसी आदमी के द्वारा किसी गलती से हुई कोई घटना थी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि जो बहुत ही बड़ी घटनाएं होती है और उनका आपको पूरा प्रमाण देती है कि ये प्राकृतिक घटना है और उसका आप विश्वास भी कर सकते हैं। और कई बार उन घटनाओं पर वैज्ञानिकों मतलब साइंटिस्ट हमें रिसर्च भी बताते हैं कि ये बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं। हमारे धरती के ऊपर प्रकृति की ऐसी बहुत सी बड़ी घटनाएं जो कि सत्य है और उसको आज भी देखा जा सकता है। जब हम इन घटनाओं को देखेंगे तो हम हैरान जरूर होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सत्य घटनाएं और इतनी बड़ी घटनाएं आपने शायद कभी देखी होगी, ना कभी सुना होगा, ना कभी, जाने दो। तो आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे कि जो बहुत ही आपको हैरान कर देने वाली है। और हमारी धरती पर आज भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, और वही घटना बहुत ही अद्भुत और अनोखी है जिनके बारे में आज तक किसी को पूरी जानकारी नहीं है। वो घटना कैसे होती, तो मैं आज आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो कि अभी तक बहुत ही रहस्यमय है। तो चलिए करते स्टार्ट। नंबर टेन पर है सेलिंग स्टोन, जो कि यूएसए में है। डेथ वैली नेशनल पार्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दो राज्य नेवाडा और कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर स्थित है। एक डेथ वैली नेशनल पार्क उत्तरी अमेरिका का ये सबसे सूखा इलाका है और यहाँ पर मौजूद है रेस्ट्रेक प्लाया, जहाँ पर दुनिया की एक अद्भुत प्राकृतिक घटनाएं होती है। रेस्ट्रेक प्लाया मतलब एक तालाब का नाम है जो कि 12 महीने मतलब एक साल तक सूखा रहता है, ना ही इसमें कोई पानी रहता है और ना ही यहाँ पर कोई हरियाली है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि ये पत्थर जो होते हैं वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ना ही इसको कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, बल्कि वो अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हालांकि इन पत्थरों को किसी ने चलते हुए नहीं देखा है, पर इन पत्थरों के पीछे घसीटने के निशान इनके चलने के सबूत है, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हो। कुछ पत्थरों के पीछे तो घसीटने के निशान कई किलोमीटर दूर तक है। इस घटना के पीछे जानवरों का और इंसानों का हाथ होने से इसलिए भी माना किया जाता है कि क्योंकि पत्थरों के पीछे सिर्फ घसीटने के ही निशाने। अब ऐसे में यदि इन पत्थरों को कोई हिला नहीं रहा है तो फिर ये पत्थर अपने आप कैसे चल रहे हैं? ये सवाल कई सालों तक लोगों को परेशान करता आ रहा है। इस घटना के पीछे कई स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया है, लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण इस घटना को पूरी तरह से समझा नहीं पाया। सन 2013 में एक वैज्ञानिक की टीम ने कुछ पत्थरों पर GPRS टैग लगाया, मतलब एक टैग होता है जो कि वो लोकेशन को ट्रैक करता है, और टाइम लाइव वीडियो के द्वारा इस घटना को कैद करने की कोशिश की। और उन्होंने पाया कि इस इलाके में होने वाली हल्की बारिश ठंड के दौरान जमीन पर एक पतली बर्फ की परत बन जाती है। जब बर्फ पिघलता है तो पत्थर इसके ऊपर से फिसलते हैं, जैसे कि जब बारिश होती है तो आपके घर के सामने कोई कीचड़ होता है तो कभी कभी आप इस कीचड़ से फिसलती भी होंगी, उसी तरह ये पत्थर फिसलते। ऐसा सिर्फ छोटे पत्थरों के मामले ही में साइंटिस्ट प्रूव कर पाए, पर बड़े पत्थरों के मामले में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। इसलिए ये जगह दुनिया भर में प्रसिद्ध है और लोग यहाँ पर घूमने के लिए और देखने के लिए आते हैं। नंबर नाइन पर है बायोलुमिनेसेंस। वैसे तो बायोलुमिनेसेंस उत्पादन और प्रकाश का उत्सर्जन का एक जीवित जीव के द्वारा होता है, पर कई जगह रात के समय सागर जगमाता हुआ दिखाई देता है, मतलब चमक चमकता हुआ दिखाई देता है। वो बिल्कुल किनारों पर नीले रंग की रोशनी की तरह दिखाई देता है। ये सुनने में बहुत ही आश्चर्य की बात लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि कई देशों में रात के समय समुन्द्र के किनारे के अंदर सितारों की तरह कई रोशनी दिखाई देती है, मतलब जो सितारे होते उसी तरह इसमें रोशनी दिखाई देती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। वैसे तो ये नज़ारा कई जगह दिखाई देता है, पर मालदीव, पोर्टो
के तट पर ज़्यादा दिखाई देता है। ये एक प्राकृतिक घटना है और इसका कारण है पानी में स्थित एक सूक्ष्म जीव प्लैंकटन, जो रात में पानी में कुछ हलचल होने पर नीले रंग का प्रकाश दिखाई देता है, मगर इस पर अभी तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे पाया है। नंबर एट पर है मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड ये ट्यूब क्या करके बादल होते हैं, जो कभी कभी दुनिया भर में विभिन्न स्थानों में दिखाई देते हैं, और ये बादल आसमान में बहुत ही शानदार नज़ारा प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पायलटों का मानना यही है कि आसमान में ये बादल हाईवे की तरह दिखाई देते हैं, और ये बादल छोटे छोटे दूर तक नहीं होते, हजारों किलोमीटर दूर तक ये फैले हुए होते हैं। वैसे तो ये बादल विश्व के कुछ खास हिस्सों में ही दिखाई देते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया की और ये बादल सुबह के वक्त बनते हैं, जिसके कारण इनका नाम जो है मॉर्निंग ग्लोरी पर रखा गया है। पर ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, और ये बादल सुबह के वक्त बनते हैं, जिसके कारण इसका नाम मॉर्निंग ग्लोरी पर रखा गया है। इन बादलों के बनने का कोई स्पष्टीकरण अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बादल जो समुद्र की हवाएं उनके घुमाव के कारण बनते हैं, मगर इस पर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। नंबर सेवन पर है ओरारा। ये एक बिरंगी रोशनी है जो कि आसमान में कभी कभी दिखाई देती है, और ये सभी तरह दिखाई नहीं देती है, केवल कुछ स्थानों पर दिखाई देती है। इस समय जो चुंबकीय आधी रात कहा जाता है, उसी समय इसको अच्छे से देखा जा सकता है, और यह मुख्य रूप से उच्च क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे कि अंटार्कटिका में देखा जा सकता है। और ये कहा जाता है कि रोशनी तब तक दिखाई देती है जब तक सूरज के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट धरती से टकराते हैं, और आसमान में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण हमें ऐसी रोशनी दिखाई देती है, और इस रोशनी में लगभग लाल, हरा, नीला, इंफ्रारेड, पीले और गुलाबी मिश्रण रंग दिखाई देते हैं। इस रोशनी को देखने के लिए लोग बहुत से दूर दूर तक आते हैं। नंबर सिक्स पर सन डॉग्स। एक ऐसा दृश्य जो ठंड के अंदर दिखाई देता है, और इसके अंदर हमें तीन सूर्य दिखाई देते हैं, मतलब तीन सूरज दिखाई देते हैं, मतलब जब हम सूरज को देखते हैं उसके दोनों साइड से हमें और दो सूरज दिखाई देते हैं। और कहा जाता है कि ये नज़ारा इसलिए दिखाई देता है कि जब रोशनी बर्फ के क्रिस्टल के अंदर से गुजरती है, तो दूर से देखने पर सूर्य के दोनों तरफ थाली के आकार के दो सूरज और दिखाई देते हैं, और ये नज़ारा दुनिया भर में कहीं भी देखा जा सकता है। नंबर फाइव पर क्या लिखा है भाई, जांगे डेंगसी नेशनल जियोलॉजिकल पार्क। आप तो नाम मुझे नहीं पढ़ना था, पर आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक पार्क का नाम है जो कि चाइना में स्थित है। ये पार्क इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके अंदर रंग बिरंगी पहाड़ियाँ है। लाखों साल पहले खनिजों को इकट्ठा होने से यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत ही शानदार और रंग बिरंगी दिखाई देती है। लगता है कि वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए हुए हैं, मतलब आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित, पर ये बिल्कुल ही प्रकृति की, मतलब नैसर्गिक प्रकृति की। ये बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल बन चुका है, जहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, इसलिए पार्क बहुत ही फेमस हो गया। तो आप मुझे बोलोगे कि इसमें रहस्यमय, मतलब इसमें खास क्या है, इतनी बात आपने मुझे ये बताई। तो यही बात है कि प्राकृतिक तरीके से ये रंग बिरंगी बनी हुई है, ये कोई आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित पहाड़ी नहीं है, ये प्राकृतिक तरीके से रंग बिरंगी हो चुकी है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया। नंबर फोर पर है पिंक लेक हिलर। पिंक लेक मतलब एक पिंक कलर की झील होती है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के किनारे पर स्थित है, और यह झील इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसका पानी गुलाबी दिखाई देता है, और वो पानी बिल्कुल भी गुलाबी होता है सच्ची में, और कहा जाता है कि उसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु के कारण यह पानी गुलाबी बनता है, और लोग इसे ऊपर से हेलीकॉप्टर के द्वारा झील का नज़ारा लेते हैं। और झील का पानी बिल्कुल खारा है, लेकिन जहरीला बिल्कुल भी नहीं है, जिसे लोग यहाँ इसके अंदर तैरते भी और मज़े करते हैं, और इसे देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं। ये भी एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। नंबर थ्री पर है अर्थक्वेक लाइट। हमें बारिश के टाइम दो बहुत ज़्यादा बिजली दिखी, रोशनी दिखी, पर कभी भूकंप के समय रोशनी दिखी है अर्थक्वेक लाइट, जो भूकंप के बाद दिखाई देती है। वैसे तो आमतौर पर भूकंप के टाइम कोई भी रोशनी दिखाई नहीं देती है, लेकिन कई बार प्रकृति की ऐसी घटनाएं है जिसके भूकंप के आने पर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है, जिसे भूकंप रोशनी कहा जाता है और अर्थक्वेक लाइट भी कहा जाता है। इस बिजली का, इस रोशनी का आज तक कोई पता नहीं चला है कि ये किस कारण से पैदा होती है। नंबर टू पर हिस्डेलन लाइट। सेंट्रल नॉर्वे की हिस्डेलन घाटी में अनजानी रोशनी आसमान में दिखाई देने की बहुत सारी घटनाएं सामने आई। बहुत सब लोगों को रात के समय में आसमान में दिखाई देती है रोशनी। ये रोशनी का आज तक कोई भी पता नहीं चला है, और किसी को पता भी नहीं कि कहाँ से आती है और कैसे आती है। सन 1981 से 1984 के बीच तक ये घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आई, पर अब कुछ समय के लिए ये कम भी हो गई है। उस टाइम तो करीब हर दिन ये घटना दिखाई देती थी, लेकिन अब साल में कुछ ही समय ये घटना दिखाई देती है।
अगले घटना के पास जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ और ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, तो जाइए अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। नंबर वन पर है वोल्केनिक लाइटिंग। हमने बारिश के समय वाली बिजली के बारे में तो सुना है, मतलब देखा भी है, पर क्या आपने सोचा है कि ज्वालामुखी के टाइम पर भी बिजली निकलती है? ये सच है कि ज्वालामुखी से जब वेव में विस्फोट होता है तो पत्थर कंकड़ लावा के साथ बिजली भी निकलती है, जिसे वोल्केनिक लाइटिंग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब ज्वालामुखी से पत्थर कंकड़ निकलते हैं तो उनके टकराने से ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे बिजली उत्पन्न होती है, मतलब पैदा होती है, और वह दूर दूर से देखने पर आसमानी बिजली की तरह ही दिखाई देती है। नज़ारा उस जगह दिखाई देता है जिस जगह कोई ज्वालामुखी सक्रिय है और समय समय में वो विस्फोट करती है। कैसे लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी ना तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो, नहीं भी लगी तो भी दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी करना है कर दो, पर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।